अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक और सवाल आया, देख लेते हैं कि लोग कहते हैं कि जो ईद के दिन वफात पाए या ईद के दिनों में वफात पाए उसे भी शहीद ही कर जाना चाहते हैं। देखें जी, शहादत की बुनियादी तौर पर दो अकसाम है। एक हकीकी शहादत होती है जो अल्लाह की राह में, और एक हुक्मी शहादत होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अम्बाद को शहादत की मौत कहा है, गो कि वो अल्लाह के रास्ते में नहीं शहीद होते। मिसाल के तौर पर कोई ताउन में मर जाए या किसी और वबा में, आप समझ लीजिए कोरोना हो गया या इस कज़ा के जो पेंडेमिक होते हैं, इसी तरह पेट के मर्ज से मरने वाला, इसी तरह डूब कर मरने वाला, चाहे दरिया में, झील में, समंदर में, सैलाब में, ग्लेशियर में, कुएं में, नहर में, डैम में, डजेंट मैटर व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ इट। इसी तरह कोई मकान वगैरह की छत हो उसके नीचे दब गया, पहाड़ के तोदे के नीचे दब गया, इसी तरह ग्लेशियर्स के में दब गया, गाड़ी के नीचे दब गया, इमारत के नीचे, कोई फॉर्म हो दब के मर गया, वो एक कैटेगरी हो गई, ठीक हो गई। अल्लाह की राह में शहीद हुआ या दुश्मनों ने मार दिया, बागियों ने, डाकुओं ने मार दिया, राहजनों ने मार दिया, डकैतों ने मार दिया, कोई इसमें अच्छा पेट की बीमारियां, हैजा हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें होगी ना, ये तमाम चीज़ें पेट से हो गई। अच्छा, इसी तरह जो है ये तमाम मुख्तलिफ जो है फॉर्म्स हैं, और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत आती है। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि इन तमाम फॉर्म्स में से किसी भी शहादत की फॉर्म के लिए, चाहे हुक्मी हो या हकीकी हो, किसी खास दिन की वफात का जिक्र नहीं है, बल्कि वजूहात की बिना पर वफात का जिक्र है कि भाई हाँ हुक्मी शहीद है या हकीकी शहीद है। तो इसलिए ईद के दिन वफात पाना या ईद के दिनों में वफात पाना, हदीस मुबारका की रोह से इस तरह कोई हमें हुक्म नहीं मिलता कि उसे शहादत की मामले में गर्दाना जाए। वही बातें जो लोगों ने मशहूर कर दी हैं या लोगों में मशहूर हो गई हैं, सबूत इसका कुरान हदीस में कहीं मौजूद नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और जो जो लोग जिनके अजीज व अकारिब का इंतकाल हुआ है, अल्लाह सुबहाना व ताला उन लोगों के दर्जात बुलंद करे, उनके लिए आगे की तमाम मंजिलों को आसान करे, और पीछे रहे लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, और उनके लिए दुआ करें और ईसाल सवाब करते रहे। अल्लाह सुबहाना व ताला रहीम है, करीम है, गफूर है, गफ्फार है, हलीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी। Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyed Saad Qadri.